भोपाल में आज टोटल लॉकडाउन किया गया है। लगातार बढ़ रहे कोरोना संकट को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। दुकानों, संस्थानों के साथ पार्सल होम डिलीवरी सुविधाएं भी पूरी तरीके से बंद रखी गई। दूध डेयरी, हॉस्पिटल, इमरजेंसी सेवाएं, मेडिकल स्टोर, मीडिया को लॉकडाउन ने छूट दिया गया है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। आपका नाम बताइएगा। आरपी सिंह। सर, ये लॉकडाउन है, ये कैसा है लॉकडाउन? ये कोरोना के कारण किया गया है और इसमें जो है सिर्फ इमरजेंसी सेवा, जो लोग बीमार हैं या तकलीफ है उन्हीं को आ जा रहे हैं या नगर में इमरजेंसी सेवाएं जारी हैं। बाकी सभी को जो है लॉकडाउन है टोटल। बाकी वाहन कोई भी यहां से आने बिल्कुल बंद हैं, प्रतिबंधित हैं टोटली। कब से कब तक है ये लॉकडाउन? अब ये तो प्रशासन जो है ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों को है, तब तक जब तक आदेश रहेगा। हम तो आदेश, जब तक आदेश है तब तक यहाँ ड्यूटी पे उपस्थित हैं। ये जितने पूरे नए शहर में, पुराने शहर में, सब जगह जो है आउटर नाके के अलावा हमारी पेट्रोलिंग पार्टी, चेकिंग नाके सारे लगे हुए हैं। अनाउंसमेंट्स के लिए भी कल रात भी हुए थे, अभी दिन में भी हो रहे हैं। और इमरजेंसी सर्विसेज और जिनको एग्जेम्पशन से उनकी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अगर कहीं से शिकायत आ रही है तो उनके लिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और कोशिश ये है कि किसी भी तरह से पब्लिक को इस तरह की असुविधा ना हो जो इमरजेंसी सर्विसेज में कोई हॉस्पिटल वगैरह जा रहा हो। और लेकिन इसके साथ ही साथ अनावश्यक घूमने पर भी जो है पाबंदी लगे। सर, इब्राहिमगंज में अब हफ्ते भर का लॉकडाउन रहेगा, तो वहाँ किस तरह की व्यवस्था है? इब्राहिमगंज में भी चारों तरफ से जो बैरिकेडिंग कर दी गई है और जो मेन एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पे अपना बल लगा हुआ है। और कोशिश रहेगी कि एक हफ्ते में वहाँ पे इस तरह से इफेक्टिवली लॉकडाउन इम्पोज हो ताकि ये जो संक्रमण की चेन है वो टूट जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।